हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित जारवाल। आज हम बात करेंगे ग्रैशॉफ लॉ के बारे में। ग्रैशॉफ लॉ क्या कहता है? फॉर अ कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इन अ फोर बार मैकेनिज्म, यानी हमारे पास अगर कोई फोर बार मैकेनिज्म है और उसमें हमें कंटिन्यूस मोशन चाहिए, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो फोर बार मैकेनिज्म है उसमें जो शॉर्टेस्ट लिंक होगा प्लस जो उसमें लॉन्गेस्ट लिंक होगा, उन दोनों की लेंथ का सम बाकी दोनों लिंक्स की लेंथ के सम से कम या उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अदर टू लिंक्स। ठीक है, ग्रैशॉफ ने ये लॉ दिया था फॉर अ कंटिन्यूस मोशन ऑफ अ फोर बार मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा फोर बार मैकेनिज्म होगा उसे हम ग्रैशॉफ लिंकेज भी कहते हैं, या फिर इसे हम क्लास वन काइनेमेटिक चेन भी कहते हैं। ठीक है, अब नोट है, एटलीस्ट वन लिंक इज केपेबल ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी हमारा जो ये ग्रैशॉफ लिंकेज होता है इसमें कोई एक लिंक ऐसा होगा जो कंप्लीट रोटेशन करेगा, और उसी लिंक में हम जो हमारा मोटर होगी जो सिस्टम को कंटिन्यूसली चलाएगी उसको हम उसी लिंक में लगाएंगे जो हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, इस मैकेनिज्म में हमारे पास दो पोजीशन होती हैं, सॉरी बेस्ट पोजीशन जो होती है वो हमारी होती है फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन गवर्न्स करती है इनपुट और आउटपुट को। हमारे मैकेनिज्म का क्या इनपुट देने पर क्या आउटपुट होगा उसको डिसाइड करेगी कि हमारा कौन सा लिंक फिक्स्ड है। इसलिए जो हमारी लिंक की फिक्स्ड पोजीशन होगी, यानी फिक्स्ड पोजीशन पे हमने कौन से लिंक को रखा है, वो चीज़ डिसाइड करेगी इनपुट और आउटपुट को। और दूसरा होता है इसमें बेस्ट लिंक, हमारा जो होता है वो हम मानते हैं शॉर्टेस्ट लिंक को, क्योंकि शॉर्टेस्ट लिंक हमारा जनरली अंडरगो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कर सकता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारा जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो हमेशा कंप्लीट रिवॉल्यूशन फॉलो करेगा। अगर हम उसको किसी फिक्स्ड लिंक के साथ लगाएंगे, यानी हमारा कोई लिंक है उसको हमने फिक्स्ड कर दिया और उसके जस्ट एडजेसेंट में हमने हमारा शॉर्टेस्ट लिंक को लगा दिया, तो शॉर्टेस्ट लिंक हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएगा। पर अगर शॉर्टेस्ट को ही फिक्स कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा, उसके पास के जो दोनों लिंक्स होंगे उनको वो घुमा देगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लिंक की ये खासियत है, अगर उसको किसी फिक्स्ड लिंक के पास लगाएंगे तब तो वो खुद घूम जाएगा, और अगर शॉर्टेस्ट को हम फिक्स कर देंगे तो वो एडजेसेंट दोनों जो उसके लिंक होंगे उनको वो घुमा देगा। अभी आगे आपका आ जाएगी बात समझ में। तो ग्रैशॉफ जो लॉ था हमारा, उसमें दो केस थे, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अदर टू लिंक्स। तो यहाँ पे हम केस वन लेके चलते हैं कि हमारा जो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट है वो लेस देन है अदर टू लिंक्स के। ठीक है, तो इस केस में पहला, अगर हम फिक्स करते हैं शॉर्टेस्ट को, नहीं सॉरी, शॉर्टेस्ट जो लिंक है हमारा, अगर इसको हम रखेंगे एडजेसेंट टू फिक्स्ड लिंक, यानी हमने ये एक लिंक था कोई सा भी, इसको तो फिक्स कर दिया और शॉर्टेस्ट को रखा जस्ट इसके एडजेसेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये फिक्स्ड लिंक के पास हुआ, यानी इसको फिक्स नहीं करा, तो ये खुद तो हमेशा घूमेगा, तो यहाँ पे ये खुद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएगा। ये हमारा तीसरा लिंक है जो कपलर का काम करेगा, और ये हमारा आउटपुट लिंक हो जाएगा जो कि एक रॉकर का काम करेगा। ठीक है, तो हमारा ये शॉर्टेस्ट लिंक तो यहाँ पे हो जाएगा क्रैंक, ये हमारा लिंक है दूसरा जो हो जाएगा रॉकर, ये हमारा हो गया कपलर, और ये हो गया हमारा फिक्स्ड लिंक। ठीक है, तो अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को एडजेसेंट रखते हैं फिक्स्ड लिंक के तो हमें मिलता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है इसमें, अगर हम शॉर्टेस्ट को ही फिक्स्ड कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम शॉर्टेस्ट को फिक्स कर देंगे तो वो उसके पास वाले दोनों लिंक्स को पूरा पूरा घुमा देगा, यानी हमारा ये लिंक भी पूरी तरीके से कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा और ये वाला लिंक भी हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, और ये हमारा कपलर है, तो अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक, यानी हमारे पास दो सिस्टम यहाँ पे
कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हमें डबल क्रैंक सिस्टम यहाँ पे मिलता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट को कर देंगे एज अ कपलर। तो अब शॉर्टेस्ट को हमने कर दिया कपलर, तो अब ये ज़्यादा यूटिलाइज हम इसका नहीं कर पाएंगे, जस्ट मोशन ट्रांसमिशन का एक काम रह जाएगा यहाँ पे हमारे शॉर्टेस्ट लिंक का, और हम इससे इतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ये खुद तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएगा, मगर ये कपलर है इस कारण ये दोनों जो हमारे लिंक्स होंगे फिक्स्ड लिंक के एडजेसेंट, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे और ये दोनों रॉकर की तरह एक फिक्स्ड एंगल पे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम होगा डबल रॉकर सिस्टम। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी, अगर हम शॉर्टेस्ट को रखेंगे फिक्स्ड लिंक के एडजेसेंट तो हमें मिलेगा क्रैंक और रॉकर मैकेनिज्म, अगर शॉर्टेस्ट को कर देंगे फिक्स तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, और अगर हम शॉर्टेस्ट को बना देंगे कपलर तो हमें मिलेगा डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू अदर टू लिंक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें भी दो केस बनेंगे। पहला, अगर हमारी सभी लेंथ्स की लेंथ जो सॉरी सभी लिंक्स की जो लेंथ है वो अगर अनइक्वल है, यानी एक मान लीजिए जैसे 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 2 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम देख लेंगे ये हमारा जो 2 सेंटीमीटर का है ये हमारा शॉर्टेस्ट लिंक है, और ये हमारा ऊपर वाले केस की तरह एक नॉर्मल केस हो जाएगा जिसमें हम इसको कहाँ पे रखते हैं, इसे फिक्स करते हैं या एडजस्टेंट टू फिक्स रखते हैं उसके हिसाब से हमारा सिस्टम काम करेगा। तो अगर हमारे इस केस में लिंक्स की लेंथ अनइक्वल है तो हमारा केस हो जाएगा इस ऊपर वाले केस की तरह सिंपल, मगर अगर हमारे पास जो लिंक्स है उनकी लेंथ हो जाएगी इक्वल इन पेयर्स, यानी दो लिंक्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी और रिमेनिंग दो लिंक्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म बनते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम लिंकेज, एक होता है डेल्टॉइड लिंकेज। तो पैरेललोग्राम लिंकेज कब होता है, जब हम इन्हें फिक्स करें शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, अल्टरनेटली अगर हम इन्हें फिक्स करेंगे, सॉरी फिक्स क्या मतलब, अल्टरनेटली अगर हम इसे हमारे मैकेनिज्म में लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा पैरेललोग्राम लिंकेज, ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम शॉर्ट को फिक्स करते हैं, यानी हमने मान लीजिए इसको फिक्स कर दिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम शॉर्ट को फिक्स कर देंगे तो ये अपने दोनों पास वालों को घुमा देगा, तो ये दोनों कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएंगे तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक, और अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट को फिक्स कर देंगे यानी अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो इसके दोनों पास वाली शॉर्टेस्ट हैं कि अपने आप घूम जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट लिंक तो घूमेगा ही सही, तो इसमें दोनों केस हमें मिलेंगे डबल क्रैंक के, चाहे हम इसमें लॉन्ग को फिक्स करें चाहे शॉर्ट को फिक्स करें, ये हमारा होता है पैरेललोग्राम लिंकेज। और इसमें अगर दूसरा केस है, हम बनाते हैं सिस्टम को इस तरीके से कि दो शॉर्ट पास हों और दो लॉन्ग पास हों, ठीक है, यानी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग लॉन्ग, इस तरीके से अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये सिस्टम हमारा होता है डेल्टॉइड लिंकेज। ठीक है, अब डेल्टॉइड लिंकेज में हम क्या करेंगे, अगर शॉर्ट को फिक्स करेंगे यानी इसको फिक्स कर देंगे एग्जाम्पल, तो हमारे पास बनेगा डबल क्रैंक, क्योंकि शॉर्ट फिक्स है तो ये दोनों पास वालों को घुमा देगा, और अगर इसमें हम लॉन्ग को फिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा क्रैंक रॉकर, क्योंकि लॉन्ग को अगर हम फिक्स करते हैं तो इसके पास एक ही क्रैंक है, दूसरी तरफ इसके पास एक बड़ा लिंक है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा और ये जो छोटा लिंक है ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएगा, तो इसमें हमारे पास अगर शॉर्ट को फिक्स करेंगे तो मिलेगा डबल क्रैंक और अगर लॉन्ग को फिक्स करेंगे तो मिलेगा क्रैंक रॉकर। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बात ग्रैशॉफ चेन की। अब उसके बाद दूसरा केस है कि नॉन ग्रैशॉफ चेन, यानी हमारी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ अगर हमारी ग्रेटर हो जाती है अदर टू लिंक्स के, तो ये जो हमारे पास सिस्टम बनेगा इसे हम बोलेंगे नॉन ग्रैशॉफ लिंकेज। इसमें जो हमारा मैकेनिज्म है वो कंटिन्यूसली मोशन नहीं कर पाएगा, बीच में एक जगह मोशन को रुकना पड़ेगा वापस दोबारा मोशन करने के लिए। ठीक है, इस वाले सिस्टम में हम मोटर नहीं लगा सकते, जैसे हमने देखा था पहले वाले सिस्टम में हमने हमारा जो शॉर्टेस्ट लिंक था उसमें मोटर को लगाया था जब मोटर और शॉर्टेस्ट लिंक हमारा कंटिन्यूसली मोशन कर रहा था, और यहाँ पे हम मोटर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसे हम बोलते हैं क्लास टू काइनेमेटिक चेन। इसमें
किसी भी लिंक को आप फिक्स करें, आपको हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म ही मिलेगा, यानी कोई भी इसमें लिंक है वो हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता, और हमें किसी भी लिंक को फिक्स करने पे हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नो लिंक कैन अंडरगो कंप्लीट रोटेशन। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारा जो रॉकर था उसका जो ऑसिलेशन एंगल होता है, ग्रैशॉफ अगर हमारी चेन है, यानी हमारा पी प्लस क्यू लेस देन इक्वल टू शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट की जो लेंथ है, अगर वो हमारी लेस देन इक्वल टू है अदर टू लिंक्स के, यानी हमारी जो ग्रैशॉफ चेन है तो उसका जो रॉकर होता है वो ऑसिलेट करता है लेस देन 180 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, यानी जैसे माने ये हमारा जो यहाँ पे रॉकर था, तो ये जो हमारा एंगल होगा थीटा, ये हमारा 180 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इस रॉकर की एक लिमिट होती है, ये 180 डिग्री के अंदर ही ऑसिलेट करेगा। जबकि हमारे पास अगर ऐसा सिस्टम होगा कि हमारे पास नॉन ग्रैशॉफ है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैकेनिज्म है, ये एक नॉन ग्रैशॉफ मैकेनिज्म है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें हमेशा डबल रॉकर मिलेगा, इसमें हम केस मान के चल रहे हैं जैसे हमारा लॉन्गेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट की जो हमारी लेंथ है वो ज़्यादा आ रही है रिमेनिंग टू लिंक से, तो इसमें हमारे जब मान लीजिए जैसे हमने इसको फिक्स कर दिया तो ये ऑसिलेट करेंगे, तो इनका जो ऑसिलेशन एंगल होता है ये 180 से ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारा जो ये कपलर है ये हमारी जो बेस लाइन है इससे भी नीचे तक आ सकता है सिस्टम जब वर्क कर रहा है उस समय। ठीक है, तो ये हमारा 180 से ज़्यादा ऑसिलेट कर पाएगा, जबकि हमारा ग्रैशॉफ लिंकेज में जो कपलर है वो 180 डिग्री से कम ही हमेशा ऑसिलेशन फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है डेल्टॉइड लिंकेज, जो कि मैंने आपको ये बताया था, ये हमारा डेल्टॉइड लिंकेज था, इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं तो ये हमारा डबल क्रैंक सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो इस डेल्टॉइड लिंकेज में अगर हम शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे तो वो हमारा बनेगा डबल क्रैंक, पर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हमारी जो इसमें शॉर्ट वाला जो लिंक होगा ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये लॉन्ग वाला लिंक है ये भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, पर हमारा शॉर्ट वाला जब दो रिवॉल्यूशन करेगा तब हमारा ये लॉन्ग वाला एक रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, यानी टू शॉर्टर लिंकेज रोटेशन गिव वन रोटेशन ऑफ लॉन्गर लिंक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गैलॉय लिंकेज, यानी डेल्टॉइड लिंकेज में अगर हम शॉर्ट वाले लिंक को फिक्स कर देंगे तो इसे हम बोलेंगे गैलॉय लिंकेज, और इसमें शॉर्ट वाला डबल रोटेशन करेगा तब हमारा लॉन्ग वाला एक सिंगल रोटेशन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे और कुछ जानकारी थी ग्रैशॉफ लिंकेज के बारे में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।